करते हैं। सोडियम ये आपने पढ़ लिया, प्रेरित उत्प्रेरण पढ़ लिया, स्वउत्प्रेरण पढ़ लिया। अब ये चार टाइप के उत्प्रेरण के प्रकार हुए, दो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, वर्गीकरण जिसको कहते हैं कि उसमें समांग उत्प्रेरण आया था, विषमांग उत्प्रेरण आया था ना बेटा। अब पढ़िए दो टर्म आते हैं, दो टर्म आते हैं वो क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक। तो एक हेडिंग कर लीजिए, उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष। और उसमें भी अब फर्स्ट ये सेंट्रल हेडिंग थी, अब उसमें साइड हेडिंग कर लो, उत्प्रेरक वर्धक अथवा उत्प्रेरक के उत्तेजक। अगली हेडिंग है उत्प्रेरक वर्धक अथवा उत्प्रेरक के उत्तेजक। तो इसमें लिखिएगा उत्तेजक क्या होते हैं, लिखिए वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है किंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है, कॉमा लगाएं, उत्प्रेरक वर्धक अथवा उत्प्रेरक का उत्तेजक कहलाता है। उदाहरण दीजिए, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में आयरन का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है किंतु क्रिया में थोड़ी मात्रा आयरन उत्प्रेरक के मिलाए जाने पर आयरन उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, अतः इस क्रिया में मॉलिब्डेनम एक वर्धक पदार्थ का कार्य करता है। उसके नीचे हम लोग ये रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर आयरन जो है वो कैटेलिस्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, और जो मॉलिब्डेनम है वो वर्धक है, अंग्रेजी में इसको प्रमोटर बोला जाता है, आप लोग भी सीखें, प्रमोटर कहते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग कर लीजिए उत्प्रेरक विष, विष को पॉइजन बोलते हैं, अंग्रेजी जो बच्चे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं पॉइजन ऑफ कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक विष ये क्या करता है, ये करता है हमारी उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है, कॉमा लगाएं, उत्प्रेरक विष, ब्रैकेट में इंग्लिश डाल दो, पॉइजन, POISON, पॉइजन कहलाता है। उदाहरण लिखें संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है किंतु गैसीय मिश्रण में उत्प्रेरक गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के ऑक्साइडों की अशुद्धि गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के ऑक्साइडों की अशुद्धि प्लेटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देती है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देती है, अतः यहां आर्सेनिक के ऑक्साइड उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। तो ये रहा आपका उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट हेडिंग कर ले, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा